ऐप आपके कितने व्यूज पर आपको कितना पैसा पे करने वाला, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। आप सभी दोस्तों का इस वीडियो पर ढेर सारा यार प्यार देखने को मिला, और साथ ही यार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अभी आप में से कुछ दोस्तों के यार ढेर सारी प्रॉब्लम डाउट्स देखने को मिले, जो कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स प्रॉब्लम्स क्लियर करने वाला हूं। और साथ ही यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया अगर आपको हिपी एप्लीकेशन के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अपने हिपी एप्लीकेशन के अकाउंट पर कुछ गलतियां हैं जो कि नहीं करना चाहिए और कई सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप भी कर रहे हो तो इन गलतियों को आपको सुधार लेना चाहिए। गलतियां कौन कौन सी हैं इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी, आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन भैया दबाना बिल्कुल ना भूले। चलिए चलते हैं यार सीधे हिपी एप्लीकेशन पर। अभी मैं आ गया हूं हिपी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर। आप जैसे हिपी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहां पर यार जो वीडियोस देखने को आपको मिलती है ना, फुल एचडी क्वालिटी में यार जबरदस्त क्वालिटी में आपको वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलती है, आप यहां पर देख सकते हैं। अभी यार हिपी एप्लीकेशन ने एक मोनेटाइजेशन टूल आपको दे दिया है, क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कितने व्यूज पर आपको कितने पैसे देने वाला है, इन सभी टॉपिक्स पर भैया ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही वीडियो यार दे दिया है। अभी यार जो भी वीडियोस मैंने हिपी एप्लीकेशन पर बनाया उनमें उस पर यार आप में से कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, कुछ दोस्तों के डाउट्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं कि भैया अगर आप भी अभी हिपी एप्लीकेशन पर अपनी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हो, अगर आप क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम के थ्रू अपनी शॉर्ट वीडियो को मोनिटाइज करके अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको अपनी जो है हिपी एप्लीकेशन की प्रोफाइल पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप में से कई प्यारे दोस्तों का यार कमेंट आया कि क्या सर हम हिपी एप्लीकेशन पर अदर प्लेटफॉर्म की वीडियोस उठाकर अपलोड कर सकते हैं। हाँ भैया आप कर सकते हो, अगर आपकी खुद की है, अगर आप वहाँ पर आप अपने खुद का कंटेंट अगर आप बना रहे हो किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, तो आप उन वीडियोस को उठाकर अपलोड कर सकते हो, बट आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की वर्जनल वीडियो है, आपने जब अदर प्लेटफॉर्म पर वीडियो शूट कर रहे थे तो उस टाइम अगर आपने वीडियो को सेव कर लिया है, डाउनलोड कर लिया था, तो आप उन वीडियोस को हिपी ऐप पर भी अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यार हिपी एप्लीकेशन पर अपने इंस्टाग्राम वाली जो वीडियोस हैं उन्हीं को अपलोड यहां पर कर रहा हूं, तो आप कर सकते हो अगर आपकी खुद की वीडियो। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जो आपने प्रोफाइल में पिक्चर लगा रखी है उससे आपकी वीडियोस की जो पिक्चर है, जो भी आपकी वीडियो है, वो आपकी जो फोटो यहां पर आ रही है वो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। जो भी यार हिपी एप्लीकेशन की रिव्यू टीम आपकी जो है यहां पर आपके प्रोफाइल अकाउंट पर आने वाली है, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम के लिए, तो जब उसके बाद जो है आपके प्रोफाइल अकाउंट पर हिपी एप्लीकेशन की रिव्यू टीम आएगी, तो उसको लगना चाहिए कि भैया ये अकाउंट जो है आपका है एंड ये अकाउंट वर्जनल है। तो अगर आपका वर्जनल अकाउंट रहेगा तभी आप क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम से अर्निंग कर सकते हो हिपी एप्लीकेशन पर। वरना गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म से उठा उठाकर किसी दूसरे बंदों की अगर वीडियो उठा उठाकर मैं हिपी एप्लीकेशन पर अपलोड करूंगा तो मुझे अर्निंग होने वाली है, तो यहां पर गाइज आपको अर्निंग नहीं होने वाली। जैसे आप क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करते हो तो ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर गाइज आप जैसे आते हो ना, हु कैन अप्लाई, एक यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है Who can apply, मतलब यहां पर apply कौन कर सकता है क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम के लिए। तो यहां पर गाइज आपको जो क्राइटेरिया है 18 ईयर ओल्ड, 1000 आपको फॉलोअर्स करना है, 50,000 आपको व्यूज कंप्लीट करना है, ऑन द वीडियोज पोस्टेड एंड वीडियोज आर पोस्टेड विदाउट, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी लोगो आर वाटरमार्क। यहां पर आप देखो, आप जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हो, आपने जो भी हिपी एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड किया या करने जा रहे हो, उस पर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, भले ही आपकी खुद की वीडियो है। अगर आपने अपनी खुद की ही वीडियो इंस्टाग्राम पर बनाई है और इंस्टाग्राम वाली जो वीडियो है आपकी, अगर उस पर जो है इंस्टाग्राम का वाटरमार्क आ रहा है, तो भैया अगर आप उस वीडियो को उठाकर हिपी एप्लीकेशन पर अपलोड करोगे तो आपको यहां पर सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज, यहां पर आवर कम्युनिटी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इनकी हिपी एप्लीकेशन की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है
उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। सेक्सुअल कंटेंट कुछ भी नहीं अपलोड करना है आपको, ऐसी आपको वीडियोस आपको नहीं अपलोड करनी है जो कि यार मान लो पॉलिटिक्स पर है या कुछ दंगा फसाद यार फैला सकती है, ऐसी वीडियोस को आपको हिप्पी एप्लीकेशन पर नहीं अपलोड करनी है। अगर आपको क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में सलेक्शन चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कुछ भी अपलोड करो, लेकिन अगर आपको सलेक्शन चाहिए क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो आपकी खुद की वर्जनल हो, और आपकी वर्जनल वीडियो पर भी किसी थर्ड पार्टी का वाटरमार्क ना हो, मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन का वाटरमार्क लोगो ना हो, तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान देना। जैसे मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो मेरी इस वीडियो में आप देख सकते हो ये मेरी खुद की वीडियो है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये इंस्टाग्राम का वाटरमार्क आ रहा है और साथ ही यहाँ पर यूट्यूब का वाटरमार्क आ रहा है। अगर आप ऐसी कुछ जो है मिस्टेक करोगे तो फिर भैया आपको हिप्पी एप्लीकेशन की तरफ से क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में सलेक्शन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग सेकंड मिस्टेक की बात करें, आप में से कुछ दोस्तों का कमेंट भी आया था कि भैया जो है हिप्पी एप्लीकेशन पर हमें डेली वीडियो बनानी है क्या सर? तो हाँ जी हाँ, आपको हिप्पी एप्लीकेशन पर डेली वीडियो बनानी है। क्या होता है जब आप क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अंडर रिव्यू में क्यों रह रही है, मतलब 7 दिन आपकी वेट लिस्ट में रहता है अकाउंट क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है कि उस टाइम में जो भी हिप्पी एप्लीकेशन की टीम है ना आपकी प्रोफाइल पर जाएगी एंड यहाँ पर आके चेक करेगी आप ओरिजिनल वीडियो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आपकी किसी वीडियो में वाटर मार्क तो नहीं है। अगर वाटर मार्क है तो इस वीडियो को आप डिलीट कर देना, मैं अभी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा क्योंकि यहां पर इंस्टाग्राम यूट्यूब का वाटरमार्क आ रहा है। तो अगर ऐसी कुछ गलती तो आपने नहीं कर रखा, और साथ ही यहां पर जो हिप्पी एप्लीकेशन की रिव्यू टीम आती है ना वो ये भी चेक करती है यार, क्योंकि ये छोटा प्लेटफॉर्म है ना, ये भी चेक करती है कि भैया आप डेली एक्टिव रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। अगर जो भी डेली एक्टिव रह रहे हैं, डेली जो है एक्टिव रहते हैं, डेली अपनी जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं हिप्पी एप्लीकेशन पर, अगर ऐसे क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन ऑप्शन देंगे तो यहां पर उनका ज्यादा बेनिफिट, उनको लगता है कि यार यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़ पाएगी, तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जोड़ने के लिए वो चाहते हैं कि जो भी हमारे वर्जनल क्रिएटर है, और ये क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम देने का एक ही मकसद है, वो जो है सर्च करना चाह रहा है कि यार कितने सारे वर्जनल क्रिएटर हैं जो कि हिप्पी एप्लीकेशन पर अपनी वर्जनल वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस डेली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहते हो तो डेली एक वीडियो ही आप बनाकर अपलोड कर दो, बट आप डेली यहाँ पर हिप्पी एप्लीकेशन पर वीडियो बनाकर अपलोड करना स्टार्ट करो। एंड यहाँ पर तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक देखो गाइस, अगर आप हिप्पी एप्लीकेशन पर वीडियो बनाते हो, आप किसी के सॉन्ग वगैरह को लेकर अगर आप वीडियो बना दे रहे हो तो यहां पर एक ये भी मिस्टेक हो सकती है कि आपको जो है हिप्पी एप्लीकेशन के क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में सिलेक्शन ना मिले, क्योंकि हिप्पी एप्लीकेशन ने जो आपको क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन दिया है ये वर्जनल क्रिएटर के लिए। आपको मैंने वहां पर जाके दिखा दिया हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, यहां पर वर्जनल क्रिएटर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी यार म्यूजिक्स होते हैं ना, ये म्यूजिक्स कई सारे म्यूजिक्स कॉपीराइट भी होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ कर रखा है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर हिप्पी एप्लीकेशन ने म्यूजिक को लेकर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बट मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी जो है कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ नहीं करना। अब आप ऐसे में पता तो कर नहीं पाओगे कि यार कौन सा म्यूजिक कॉपीराइट है और कौन सा म्यूजिक कॉपीराइट नहीं है, तो कोशिश करो जो भी आप वीडियोस बनाओ वो हिप्पी एप्लीकेशन के म्यूजिक लाइब्रेरी से ही बनाओ। साउंड्स वाले पर क्लिक करो, वहाँ पर ढेर सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, उस पर आपका जो भी दिल है यार, लिपसिंग सॉन्ग डांस जो भी आपका दिल है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको हिप्पी एप्लीकेशन के अपनी खुद के अकाउंट प्रोफाइल पर नहीं करना चाहिए। अगर आपको हिप्पी एप्लीकेशन के क्रिएटर सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको सिलेक्शन चाहिए, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन भैया जरूर प्रेस करना। चले गए, चलते मिलते किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।